पुलवामा हमले पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि वोट के लिए हमारे जवान मार दिए हैं, सरकार अगर हमारी बनी तो हम जांच करेंगे और इसमें बड़े बड़े लोग फंसेंगे। ये बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का आया है। उन्होंने पुलवामा हमले पर अब ये आरोप लगा दिया है, ये सीधा सीधा बड़ा आरोप है कि वोट के लिए पुलवामा में हमारे जवानों को मार दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पुलवामा हमले की जांच करेंगे, चुनाव से पहले वोटरों को प्रभावित करने, उनके वोट लेने के लिए ये एक नया शगुफा। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या पहली में जैसे ही घुसते हैं वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में, पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए।